कसम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। एग्जाम्स की टेंशन और समर्स की गर्मियों से परेशान हम दोस्त, तो हमने सोचा कि क्यों ना फेरी मेडल्स जाकर नांगा पर्वत के नजारों से ही लुत्फंदोज होकर इन सब से छुटकारा पाया जाए। अपना सफर लाहौर से स्टार्ट किया, बालाकोट से गुजरते हुए नरान की वादियों के नज़ारे एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए बाबूसर टॉप। पहले इस वक्त हम बाबूसर टॉप पे हैं, 13,080 फीट नांगा पर्वत वो उधर कहीं छुपा हुआ है, जाना है उधर इंशाल्लाह, कल उधर होंगे हम। अभी ट्रैक कर रहे हैं बाबू सर की बैक साइड पे व्यूज लेने के लिए, कुछ स्नोई माउंटेन है। हाउ इज द जोश बॉयज? वेरी लो, हल्का ले लिया उस्ताद, ये तो उस्ताद हल्का ले, मैं तो बर्दाश्त कर दूंगा, ये कैसे करेंगे। मेडोस पहुंचने के लिए आपको चाहिए होती हैं जीप्स, जो कि आपको मिलती हैं रायकोट से। जी अभी हम आ गए रायकोट पे, बस यहाँ से हमने जीपें लेनी है, निकलना है, उधर डील चल रही है जीप की, और यहाँ से अभी दो का वेट है टोटल, वो रास्ता जा रहा है वो ऊपर से, ये ऊपर से नहीं जान साहब आ रहे हैं, ओ अफान साहब आ रहे हैं। अफान भैया क्या खरीद के लाए हो? नहीं है नक, कितने की बड़ी? फ्री में। कितने की बड़ी? तू बता कितने की होगी? हजार की। हजार की? राहत से नहीं यार। कितने की? तू बता, तू बता। दस रुपए की। उस्ताद महंगी ले आयो, पता था आए, मैंने एक और खरीदनी है, खरीद कर लेकर दे। नहीं उस्ताद नहीं नहीं आए महंगी लाए यार, नहीं 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 यार, मेरा कजन है वो बेचता है अच्छी सस्ती है। अपनी जीप है ये? नहीं नहीं है। ठीक है जी। Boys, all set? Hello. सब सेट है? ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पीछे से भाई नाजुक सुरता लग रही है। सही है। नहीं नहीं मजा आ रहा है। अभी तक तो सब सेट है, लेकिन अभी आगे का नहीं पता। रायकोट से जीप्स में सवार होकर हमने अपनी जिंदगी की सारी दुआएं पढ़ ली, क्योंकि जो सफर वीडियोस में देखा गया था उससे तो यही जाहिर होता था कि ये तो बहुत खतरनाक सफर है, और इंटरनेट पे जैसी इसकी बात इस सफर के बारे में बातें की जाती हैं तो फिर डर तो बनता था ना बॉस। हम इस रोड को दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन रोड में शुमार किया जाता है। आखिरकार इस रोड को वर्ल्ड सेकंड मोस्ट डेंजरस रोड क्यों कहा जाता है, ये तो आप सबको देखकर अंदाजा हो ही गया होगा। रायकोट से लेकर तातू विलेज तक ये जीप ट्रैक 2 घंटे की बम्पी और डेंजरस तरीन राइड है। ये जीप ट्रैक सारा का सारा इन लोकल्स ने ही बनाया है। ये देख के बहुत हैरानगी होती है कि इतना लंबा सफ़र और इन कंडीशंस में इन लोकल्स ने बगैर किसी हाईटेक मशीनरी के कैसे बना लिया। अच्छा जी अभी हम पहुंच गए हैं जी, ड्रॉप अप पॉइंट है। दूसरी जीप में हमारे बंदे हम लोग 5 लोग आ गए हैं, 5-6 लोग, और दूसरी जीप में हमारे अगले 5 लोग आ रहे हैं। सारे अभी रेडी हैं। कैसा रहा सफर? बेहतरीन, जबरदस्त। शुरू में सबके लगे थे लेकिन बाद में यूज्ड हो गए थे, सेट हो गए थे बाद में। माशाल्लाह हमारा ड्राइवर टॉप एक्सपीरियंस लेवल ड्राइवर है। सलाम। ठीक है जी, अल्लाह। तातू विलेज पहुंचने के बाद हमने उस ट्रैक का आगाज किया जिसको हम बहुत अंडरएस्टिमेट करके बैठे हुए थे। हम सब तो समझे थे हम इसको आराम से कर लेंगे, लेकिन आगे क्या होना था ये तो अभी हम सबको पता ही नहीं था।
अच्छा जी भजन स्टार्ट हो गया हमारा ट्रक, ठीक है, ये लौंडे हैं सारे, ठीक है। अच्छा जी भाई प्लान ये है, विदाउट एनी स्टॉप्स हमने हमने ट्रैकिंग करनी है, ठीक है, विदाउट एनी, मेरी फोटोज ले लो, मेरा ये कर लो, हमने शाम होने से पहले उधर सरी मेडल पे पहुंचना है ताकि उधर हम लोग अच्छी फोटोज ले सकें। अच्छा साथ चलेंगे, साथ पढ़ेंगे, साथ चलेंगे पैदल, पता चला कोई बाइक वाला उसको लेके आ उसको ठाक। फेरी मेडोज तक का ये ट्रैक हर किसी के लिए उसकी फिजिबिलिटी, फिजिकल हेल्थ और उसके स्टेमिना के लिए वेरी करता है। अब लोकल्स के लिए तो ये ट्रैक 1.5 से 2 घंटों में हो जाता है, लेकिन हमारे कुछ टीममेट्स को तो 6 घंटे भी लग गए। ये देखो जी, ये आ रहे हैं मोटरों की टीम, बेस कैंप जाएंगे, बेस कैंप कैसे ज्यादा आ रहे हैं, सल्यूट। मैं बेस कैंप जाऊंगा, मैं तेरे को क्या लगता है मैं क्यों नहीं जाऊंगा बेस कैंप। तुम्हारे सल्यूट, पोर्टर्स को देखे आए सामान, सबसे लाइट किसका सामान था, सबसे लाइट इसका सामान था, वो देखो वो आ रहा तेरे को क्या लगता है मैं क्यों जा रहा हूँ। हम 8 दोस्तों ने सब ने एक एक बैग अपने साथ लिया हुआ था। ट्रैक के पहले ही 30 मिनट में 4 दोस्तों ने अपने अपने बैग तो पोर्टर्स को दे दिए। जैसे जैसे सफर बढ़ रहा है तो थकन तो है, लेकिन थोड़ी बहुत है, लेकिन सारी थकन उतर जाती है जब वहाँ देखते हैं। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं व्यूज बेहतर हो रहे हैं। अभी हम लोग जो है ना 3 टोटल हैं, बाकी जो सामान के साथ सबसे आगे हैं, सबसे आगे भी हमें सब सामान के साथ भी हमें, बाकी सारे पोर्टर सारे पीछे। मैं देखें मुबीन और हिकमत भाई हैं। ये ट्रैक सबको आजमा ज़रूर रहा था, लेकिन जो नज़ारे देखने को मिलते थे वो सारी थकन दूर कर देते थे। जैसे ही मैं नांगा पर्वत को देखता मेरी सारी थकन दूर हो जाती और मैं नांगा पर्वत को देखते देखते आगे बढ़ना शुरू हो जाता। अभी हम लोग जो है ना फेरी मेडो जो पॉइंट है उससे हम थोड़ा सा पीछे रह गए, ठीक है, वो सामने नांगा पर्वत है, बहुत ही कमाल का इंतहा का। हम लोग इसको 4 का ग्रुप हो गया, कामिल ने हमें ज्वाइन कर लिया था। कामिल से पूछते हैं जी। हाँ कामिल भैया, आपका ग्रुप किधर गया, गायब हो गया, रह गए सारे, क्या हुआ उनको? स्लो स्लो आ रहे साथ और वो जान मर गए। अफान तो आगे चला गया सामान छोड़ के नीचे, अभी उधर नीचे पड़ा होगा। ठीक है बस, अभी हमारी हिम्मत जवान है, हमने निकलना आगे, ठीक है, 5 मिनट रह गए हमारे 15-20 मिनट। चलो जी तारिक। अच्छा जी, आफ्टर सो लॉन्ग such a big hike, long hike, 3.5 hours, और हम लोग जो है ना फुल कैपेसिटी के साथ हम 3 लोग हैं, मैं, मुबीन और कामिल। कामिल ने अपना सामान भेज दिया था, हमारा जो तीसरा बंदा है वो आगे चला गया सामान वाला। अफान और कामिल पहुंच गए हैं विदाउट सामान, पहले 2 बंदे हैं, हम पहले 3 बंदे हैं जो सामान के साथ पहुंच गए। ओके बॉस जी, हम आ गए हैं जी फेरी मेडो, और ये हमारा होटल आगे फेरी मेडो आ गए हैं, वो नज़र आ गया मैदान, और जी हमारे ये शिकरे हैं जी, हाँ जी, बाकी सारे भी नीचे कहीं फिर रहे हैं, वाह कमाल व्यू है यार। फान किधर है? ओए होए होए होए, क्या होटल है बॉस, यार उफ आ गए होटल। यार 4 घंटे हम सुपरमैन, सबसे ज्यादा हैवी वेट, सबसे ज्यादा हैवी वेट भाई, घंटा वीडियो उसका सुपरमैन, सुपरमैन। होटल पहुंचने के बाद सबसे ज्यादा खुश मैं ही था, ये रिएक्शन देखकर तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा। ये वजह इसलिए भी थी क्योंकि मैं सारे सामान के साथ था और सबसे ज्यादा सामान भी मेरे पास था, और फिर भी मैं उन चंद लोगों में था जो सबसे पहले पहुंचे। मेरी बात सुनो, एक सेकंड, एक सेकंड भाई, बात सुन लो, नहीं 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 देखो ना, मुबीन भी इधर ही है, मुबीन भी इधर, एक बात फिर, एक बात मेरे लिए बन लेजेंड, ठीक है जी, लूट हो गया सर, लूट हो गया जी, मेरी क्या मोटिवेशन, तू पूछा था ना तूने कि तू कैसे, मैं थकता था मैं उधर देखने लग जाता था,
वहाँ देखते मैं ऊपर देख रहा था वो जहाँ बीच वाली स्ट्रीट वाली प्लान थी ना, मैं वहीं पे देखे जा रहा था। अच्छा भाईजान, अभी हम खाना खाने और किसान साहब ने पश्तून टोपी ले लिया। आए 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 आए, कह रहे हैं पूरी रात टोपी लेके सोएगा, इसका मतलब ये सुकून से रात गुजरेगी। मीन साहब को लगी है ठंड, मीन साहब क्या करें स्टार्ट। उम्मीद साहब लगता है तारिक भाई के साथ रुकेंगे। मैंने तो सिर्फ फोटोग्राफी करनी है। अच्छा अभी खाना खा के सब सेट हो गए ना, अभी सारे आ गए हैं बेस इधर बॉनफायर लेने। किसान साहब का पता नहीं क्यों मूड उतरा हुआ, सबका जो ना मारने वाला हुआ है, पता नहीं मार ना दे किसी को। मैं तेरे साथ वो करूंगा ना जो तू याद रखेगा। उधर वकास सैड हुआ है, उसकी पेंट उसके साथ जो किचन में हुआ रस्ते में, जो किचन में हुआ नाकामले बयान से बातें हुई है ना भाई। वेट लिफ्टिंग तो करनी है ना। अच्छा भाईजान अभी आग लगी थी आधा घंटा पहले, फुल जो है ना बहुत ज़्यादा, तो पैकिंग वगैरह सारी कर ली थी लेकिन फरार होने लगे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बेहतरीन हो गई है। पकड़ी गई है वक्त पर, पकड़ी गई है सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, वक्त पर ही पकड़ी गई। पर वक्त एक्शन हुआ ना। अच्छा जी अभी सब तैयार हो रहे हैं जी ब्याल कैंप जाने के लिए। मेरे भाई प्यारे भाई सात भाई और रसीब भाई जो है ना अपनी स्टिकर बड़ी अक्लमंदी से भूल के आ गए, गए थे ढूंढने नहीं मिली, पर वो अफान साहब का छाला निकल आया, उनके भी बेस कैंप के ख्वाब इन राजून हो गए हैं। ठीक है जी, और ये जी हम हैं फुल रेडी। ठीक है जी, सबसे ज्यादा सामान के साथ भी कैमरा भी फुल, और ये कामिल साहब हैं सबसे वीक फिर भी हमारे साथ इनका इरादा है। ब्याल कैंप के खूबसूरत ट्रैक का सफ़र करते करते हमने नमाज स्टॉप लेने का सोचा, और उस स्टॉप के दौरान हमारे ग्रुप मेंबर सात भाई तो सो ही गए। मैं और कामिल सबसे आगे थे और रास्ता मिल नहीं रहा। इस पूरे टूर के दौरान मैं ब्याल कैंप ट्रैक को सबसे ज़्यादा रेट करूँगा, क्योंकि इसके अंदर जो पीसफुलनेस थी, वाइल्ड लाइफ की आवाज़ें, और जंगल में जब आप ट्रैक कर रहे हो तो साथ में बहती स्ट्रीम्स और ग्लेशियर का ठंडा ठंडा पानी सारा मूड रिफ्रेश कर देता था। ब्याल कैंप आ गया, मैं हिकमत भाई और कम साथ हमेशा दोबारा की तरह पहले की तरह कई मिनट भी पहले हमने किया सामान के साथ, मैंने रब भी कम इंशाल्लाह बेस कैंप भी बहुत खूबसूरत है। हाँ सर दादा, फेरी मेडोज से ब्याल कैंप मैं और कामिल सबसे पहले पहुंच गए। ये दो घंटे का खूबसूरत ट्रेन ट्रैक इंजॉय करने के बाद हम जब ब्याल कैंप पहुंचे तो वहां बहती स्ट्रीम्स में ठंडे ठंडे पानी से अपनी थकन दूर की। अच्छा जी ब्याल कैंप का खूबसूरत नज़र, और मैं और जो कामिल है ना दरिया में अपने पैर डाल के जो थकन सारी निकल गई, बहुत ही ठंडा ग्लेशियर का पानी है ऊपर से आ रहे नंगे पर बच्चे ऊपर से, अभी तक अभी नहीं है खैर नहीं पहुँचे हैं, और तो नहीं अभी तक आया लेट है। मेरे गर्लफ्रेंड भी मुबीन के साथ ही है, जैसे मुबीन आएगा तो मैं शूटिंग भी स्टार्ट करूँगा, पर रेस्ट करके फिर जब मंदिर को आई जाऊँगा। क्योंकि नेचर है ये इतनी ऐसी है कि जैसे किसी ने डिज़ाइन किया हुआ है ना, पत्थर ऐसी पोजिशनिंग पे हैं, दरिया चश्मे जा रहे हैं,
और पानी इतना प्योर है, इतना इम्प्योरिटी हर चीज़ में लगे A1 में लगे, इस जगह पे आके रिग्रेट नहीं होता। ओ आओ जी आओ, ओ थक लो, ओ थके लो, आज हनान की हालत टाइट लग रही है, पहुंच है नहीं जाना, आज तो हनान बड़ा टाइट लग रहा है। आओ 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 जी आओ, बहुत सामान आगे जाके जी, बस बयाल कैंप आ गए हैं। समझा था बयाल कैंप उधर ही था, लेकिन हमें हमारे साथ छोटा सा प्रैंक हो गया था, थोड़ा 30 मिनट्स के बाद हो गया था और ये बयाल कैंप का बिल्कुल एंड आ गए हम लोग। ये हमारे सर चुके उन्होंने, अभी मैं और जली जा रहे हैं जी जर्मन व्यू पॉइंट। कितने बजे आएंगे? बस ठीक है, डन हो गया, 3 बंदे हम जर्मन व्यू पॉइंट, 1.5 घंटे का क्रॉस है यानी कि आना जाना। ओके अभी आ गए हैं जी स्पेनिश व्यू पॉइंट, ग्लेशियर, नांगा पर्वत, साथ में जो और हिमालयन पीक्स हैं वो सारे एक ही फ्रेम में हैं, वो सामने कराकरम, ये सामने ये इधर हिमालय और वो कराकरम, ये स्पेनिश व्यू पॉइंट कहते हैं इसको मेरा ख्याल है। कैसा लगा आपको अहमद भाई? अच्छा यार ये और कैसा है? बेस्ट है यू। हाँ बताओ। जिंदाबाद बशरपुत्र, मज़ा आ गया। एवन बहुत सनसेट का टाइम हो गया है, नांगा पर्वत पे जो है ना चूँकि चांद आ चुका है, बहुत स्मॉल फोटोज आई हैं, तारे भी नज़र आ रहे हैं अभी इंशाल्लाह रात को माउंटेन्स की फोटो, और अभी लड़के लड़कों की फ़ोटो ली है बॉयज़ की, सब सेट है ठीक है। एवन अभी वापसी का सफ़र है, अंधेरे में जाना है। ओके बस ग्लेशियर की टूटने की आवाज़ आ रही है, चलो निकलते हैं अभी। अच्छा जी अभी रात के खाने का टाइम हो गया, सारे आ गए हैं भाई, इसने जर्मन व्यू पॉइंट नहीं फ्रेंच ने इसको फ्रेंच फ्रेंच वहां पे क्या करना है बाहर से फ्रेंच करेगा वो फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा और सबको बताना चाइनीज भी हमारे साथ इनकी मैंने तस्वीर भी ऐसा लड़की उसमें लग रही है तस्वीर और मैं अपलोड करूं क्या मेरा साथ लड़की भी थी उसके जो बाल है वो बाहर आ रहे थे सब बताओ लड़कों के साथ डिस्काउंट मिल जाएगा रात को। अरे भैया किधर है किचन में जाके किचन में जाके अच्छा जी इस वक्त 11:15 हो चुके हैं और बेस कैंप के लिए हम सारे तैयार हो गए हैं, पीछे एक बंदा भी रह गया पीछे, लेकिन अभी भी दो बंदे लग रहे हैं जिनकी टाइट मामलात लग रहे हैं ठीक है, 3 बंदों के टाइट मामलात लग रहे हैं। मेरे तो फुल जोश फुल है, जाना पड़ना लाजिम है बेस कैंप जाना। तारिक भाई इधर ही रह रहे हैं, नेमत निज़ाम भाई भी इधर ही, नेमत भाई उधर वेट कर रहे हैं हमारा ठीक है। ओके बॉयज़ चलते हैं शुरू स्टार्ट। अच्छा जी अभी हम लोग हैं पाकिस्तान व्यू पॉइंट पे, बहुत कमाल का व्यू है, लेकिन यहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्सनल से जो पोलैंड की टीम है उन्होंने रिकमेंड किया कि हमारे कुछ स्क्वाड मेंबर्स हैं वो नहीं कर सकते, उसकी वजह से फॉर सेफ्टी पर्पज वो वापस जा रहे हैं यहाँ पे। बेस कैंप का ट्रैक काफ़ी चैलेंजिंग समझा जाता है क्योंकि इसमें ये काफ़ी नैरो स्टीप और इसमें आपको काफ़ी फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स क्रॉस करने पड़ते हैं। जी नांगा पर्वत बेस कैंप से पहले आखिरी स्टॉप दे रहे हैं हम लोग और ये हमारे सारे लांडे हैं, हालत टाइट है, सब कुछ कर रहे हैं सारे कैरी ऑन कर रहे हैं, बेस कैंप के करीब पहुंच गए बॉस और हिम्मत टूट रही है लोगों की। ये सामने
बयाल से बेस कैंप का ट्रैक तकरीबन 3.5 घंटे तक का था। इस सफर का सबसे मुश्किल तरीन पार्ट ये आखिरी हिल क्रॉस करना था, क्योंकि ये हिल बहुत ज़्यादा ही स्टीप थी और मैंने 1.5 घंटे से पानी नहीं पिया था और मैंने सबसे ज़्यादा सामान भी कैरी कर रहा था, और जो हालत इस ट्रैक ने कर दी थी मेरी वो आप ये वीडियो में देख ही लेंगे। बेस कैंप अगेन आ गया हूँ मैं, 3rd नंबर पे हूँ हमेशा की तरह विद इक्विपमेंट, 10 kg वेट, लास्ट एंड बेबी फाइनल स्टेप्स, चैलेंजिंग स्टेप्स, आई हैव मेड इट, इट्स मोहम्मद हनान, वेरी चैलेंजिंग गाइस। ओके सो ऑन द ऑड्स आई एम एट बेस कैंप 2 विद माय इक्विपमेंट 10 kg वेट, 3rd नंबर पे अगेन फाइनली आई मेड इट। अच्छा जी, बेस कैंप पे है अभी, तो ये सारे शिगरे पहुँचे हैं। कामिल बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की चमकान कहीं और सारे, किसी के भी बाइसेप्स नहीं, सारे सूखे सूखे हैं। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले तो कार अंटर कर चटी खबर पे, ये 15th of July को 2008 नांगा पर्वत पे मर गया था अपनी, ये 2 लोग थे, 1 बच गया था। तो अभी उसकी कवर पर जा रहे हैं, फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह नांगा पर्वत के क्लियर व्यू। इवनिंग टाइम हो गया, ठीक है, और बहुत अच्छा शूट रहा हमारा। अभी सारे सब सर्दी से सबकी जो है ना हालत ख़राब हुई हुई है, तो मैं और कामिल को प्रयास कर रहा हूँ जी। तो अभी सारे जा रहे हैं हम वापस कैंप की तरफ। मौसम जो है ना बहुत ही प्यारा है, मतलब व्यूज बहुत ही प्यारे हैं, बीच और मतलब कमाल मौसम, इतनी भी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। मेमोरियल से जब बेस कैंप वापस पहुंचे तो हमें ग्लेशियर वाली साइड से भेड़ियों की आवाज़ें आने लग गई। अच्छा जी, अभी हम लोग सुबह 7 बजे का टाइम है, नांगा पर्वत जाना हम लोगों ने टच करके आना, तो हम 3 हैं इस वक्त, मैं 3 और गाय हूँ, नाश्ता करना है स्पेशल भाई और सी भाई किस्म का। अच्छा जी, अभी निकल रहे हैं हम लोग नांगा पर्वत के लिए, नांगा पर्वत टच करने जा रहे हैं, फाइनल बस है हमारा, फिर वापसी हमारा फेरी मेडोज, वो हमारी डेस्टिनेशन है, और अभी हम इधर हैं। टफ होगा क्योंकि अभी लॉन्चेस का भी डर है, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से आ जाएंगे। सुबह सुबह बेस कैंप से मैं निकल पड़ा अपने 2 दोस्तों के हमरा नांगा पर्वत के दामन में जाने के लिए। पूरे टूर का सबसे चैलेंजिंग तरीन ट्रैक था, क्योंकि ये वो जगह है जहां एवलॉन्चेस के गिरने का हर वक्त डर रहता है, क्योंकि ये नांगा पर्वत का बेस कहलाता है, ये वो जगह है जहां से क्लाइंबर्स अपनी क्लाइंब स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं मंजिल के और करीब होता गया, उसी तरह एल्टीट्यूड गेन करने के साथ साथ ट्रैक और ज़्यादा रॉकी और मुश्किल होता गया। इसी तरह मेरे 2 दोस्त भी थक गए और मैं अकेला अपने गाइड के साथ रह गया। बिल आखिर मैं पहला टूरिस्ट बना जो फुट ऑफ नांगा पर्वत तक पहुंचा और स्टार्ट ऑफ आइस फॉल जिसे कहते हैं। चकराकरम और ये हिमालया बहुत रॉकी ट्रैक है, मतलब कि टांगे जो है ना थक जाती हैं, मतलब कि जो टोज है ना वो हर्ट होते हैं सही वाले, क्योंकि बहुत। अच्छा जी, अभी हम वापसी का टाइम हो गया, अभी
तो हमने वापस भी जाना फेरी मेडोज, और बहुत अच्छा एक रहा, नियमित भाई ने मुझे बहुत गाइड किया, और अभी हम वापस जा रहे हैं। ठंड नहीं है इतनी खास, सूरज फुल अपनी तपिश में है, लेकिन सनबर्न बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि फुल उसकी शिद्दत है। बस अभी वापस जाते हैं क्योंकि हाइक थोड़ा सा जो है ना वापसी का थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इस वक्त हम बिल्कुल नांगा पर्वत के नीचे हैं, ये वो जगह है जहाँ से क्लाइंबर्स अपनी जो क्लाइंब स्टार्ट करते हैं। नियमित भाई मुझे बता रहे हैं कि मैं पहला टूर वाला हूँ, मतलब सिर्फ विजिटिंग के लिए आया हूँ फेरी मेडोज़, और मैं इधर तक आया हूँ यानी जहाँ तक जहाँ से क्लाइंबर्स अपनी हाई क्लाइंब स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही है नियमित भाई, नियमित भाई का थैंक यू, मुझे यहाँ तक लेके आए हैं, बड़ी मेहरबानी। नांगा पर्वत का ट्रैक फिनिश हुआ, लाफिस कहता हूँ मैं नांगा पर्वत को, यू विल बी मिस्ड, द किलर माउंटेन। मैंने अपना ट्रैक विदाउट एनी रिग्रेट्स फिनिश किया, अकेला बंदा हूँ जो सबसे आगे गया, और मतलब फुल टाइम आगे रहा हूँ मैं, ये कोई रिग्रेट नहीं है इस टूर का। मतलब होता ना कोई ना कोई चीज़ रहती यार ये कर लेता वो कर लेता, नहीं मैं फुल आगे तक गया हूँ जहाँ तक पॉसिबल था, और बेहतरीन जो है ना मैंने वीडियोज़ और फोटोज़ वगैरह लिए हैं। सो आई विल बी बैक नांगा पर्वत इंशाल्लाह, उस जगह पे हूँ जहाँ से क्लाइंबर्स अपना जो है ना क्लाइंब स्टार्ट करते हैं, इससे आगे से हो गया है वहाँ से आगे पॉसिबल नहीं है विदाउट कैंप प्लान वगैरह जो उनका गिर होता है। अच्छा जी अभी नमित भाई को हम बाय बाय करते हैं, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी ऐसी जगह पे, और नमित भाई ने बहुत अच्छी मेहमानबाजी किया, मुझे लेके भी गए हैं इधर दामन में नांगा पर्वत के, और जगह पर उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया खाना पीना और हर चीज़ बेहतरीन। शुक्रिया नमित भाई, थैंक यू। बेस कैंप से सारे निकल रहे हैं और नियमित भाई भी जा रहे हैं, शाम तक पहुँच जाएंगे, और अभी वापसी का सफर स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा रहा, छोड़ने का दिल तो नहीं जा रहा नांगा पर्वत को। मांडे बिस्तर वगैरह लेके इधर तू मतलब इधर रहने लगो, छोटा सा टेंट ले आएंगे यहीं पे, बस जाओ यहीं पे भाई, यहाँ पे जो है अपनी हिम्मत लगानी पड़ती है। ओए गिरेगा कोई नहीं, गिरेगा तो नीचे ही जाओगे, ऊपर नहीं जाना सीधा। आ जा भाई कुछ नहीं होता, आ जा वन वन लगा के फिर आ लाओ। ओए बुढ़िया आराम आराम से आना, हाँ यही सही है सही, आ जा आ जा आ जा, ये जगह यार आ जा आ जा। ओए साथ नीचे जरा देख ले, या हिम्मत नहीं है तेरी। आए आए चलो, हाँ ठीक है आजा आजा, वो तो है ही है, कुछ नहीं होता, आजा आजा। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी टीम को साथ लेके बेस कैंप से बयाल कैंप आ गया हूँ, और अच्छा एक रहा वापसी का, अब ये सामने एक था जो अब हम तो सोलो हाइक करके आए नहीं यहाँ से, रास्ता भी खुद ढूंढा एडजस्ट किया, तो अभी यहाँ 15 मिनट एडजस्ट करेंगे और फिर आगे सीधा फेरी मेडोज़, घंटे डेढ़ की हाइक और। तो बहुत अच्छा रहा टूर से, कोई रिग्रेट नहीं है मेरा, यानी कि ऐसा टूर मैंने बैठ किया है कि जिसमें कोई रिग्रेट नहीं, बकास कोई रिग्रेट, बहुत ज़्यादा। अभी ये है कि जो रह गए उनका रिग्रेट नहीं, मेरे पास इस चीज़ की खुशी है कि मैं एक तो यंगेस्ट फुट ऑफ नांगा पर्वत और फर्स्ट वन टू रीच, डरो डरो खेला जा रहा है, वही खेल रहा है। अच्छा जी अभी हम लीव करने लगे बयाल कैंप से फेरी मेडोज़ की तरफ, और निजाम भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, निजाम भाई बहुत थैंक यू, आपकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अमेजिंग थी, और आपने जब हम बेस कैंप भी चले गए सबने बहुत अच्छा आपने सबको ट्रीट किया, और वैसे भी खासकर उसका अफान का बहुत ख्याल रखा गया, गुड नाइट बहुत ज़्यादा दी है ना आपने, बहुत बहुत शुक्रिया निजाम भाई, ओके इंशाल्लाह आप लोगों ने किसी ने भी आना हो तो ज्वाइन कर सकते हैं हम इंशाल्लाह, थैंक यू अल्लाह हाफिज़। निवाने वे मैं आसमान करे करे।
येलो वाला ये तो नाच 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 ओए गोश्त का वेट कर रहे हैं, गोश्त खोर। अच्छा जी, अभी हमारा जो टूर एंड पे आ गया है, अभी हम फेरी मेडो से वापस जीप के वहाँ जा रहे हैं, रायकोट भी जाना। और हमारा टूर आज अनफॉर्चुनेटली फिनिश हो रहा है, क्योंकि दिल नहीं चाह रहा वापस जाने का। जो इतना प्यारा व्यूज है नांगा पर्वत की, जितना भी देख लो दिल नहीं भरता। हम आगे नीचे रायकोट ब्रिज, बोलो भाई हमें नीचे ले आए हैं। आपका असल नाम क्या है? मोहित बुल्ला। बहुत मेहरबानी, इंशाल्लाह अगली बार भी मिलेंगे। वापसी का रायकोट तक जीप ट्रैक करने के बाद हमने इस खूबसूरत वादी को खैरबाद कहा और लाहौर की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया।